नमस्कार, हरियाणा एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है और हम लेकर आते हैं आपके लिए बॉलीवुड से चटपटी खबरें। पोन्नियिन सेल्वन 2 का निर्माण इसकी पिछली फिल्म PS1 की तरह लगभग 250 करोड़ रुपए में हुआ है। पिछले पार्ट में नजर आए विक्रम, ऐश्वर्या राय, कार्थी और जयम रवि इस बार भी फिल्म में मुख्य किरदारों में दिखाई देंगे। डायरेक्टर मणि रत्नम की अपकमिंग फिल्म पोन्नियिन सेल्वन 2 यानी PS2 की रिलीज डेट का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है। बुधवार को फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने एक टीजर जारी कर घोषणा की है कि PS2 28 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म के टीजर में कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन इसका बैकग्राउंड म्यूजिक इसके थ्रिलर होने की गवाही चीख चीख कर दे रहा है। फिल्म के टीजर में चियान, विक्रम, जयम रवि, कार्थी और ऐश्वर्या राय की झलक दिखाई गई है। चारों कलाकार राजसी पोशाक में जबरदस्त लग रहे हैं। टीजर में लिखा गया है, चोल लौट आए हैं। लाइका प्रोडक्शन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आइए 28 अप्रैल 2023 का इंतजार करते हुए तलवारों को हवा में लहरा दें। इंटरनेट यूजर्स फिल्म का टीजर देखकर उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। खासकर इसका बैकग्राउंड म्यूजिक सबको खूब पसंद आ रहा है। मसलन एक यूजर ने लिखा, बैकग्राउंड म्यूजिक अभी पूरे टीजर पर नजर डाली, सर गजब का है। एक अन्य यूजर का कमेंट है, सुपर सर, अप्रैल का इंतजार है। एक यूजर ने लिखा, मैं अभी तक PS1 वाइब से ही बाहर नहीं निकल पाया हूँ। दूसरा पार्ट बेहद जल्दी महसूस हो रहा है। खैर, मैं PS2 का इंतजार नहीं कर सकता। एक यूजर ने लिखा है, हमारी तमिल मास्टरपीस का बेसब्री से इंतजार है। वहीं एक यूजर ने तृष्णा कृष्णन की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए लिखा है, साउथ की क्वीन तृष्णा कृष्णन कहाँ है। PS2 मणिरत्नम की पिछली फिल्म PS1 की सीक्वल है, जो 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई और तमिल सिनेमा की इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बनी। 30 सितंबर 2022 को इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 523 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। फिल्म को तमिल के साथ हिंदी, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम भाषा में भी रिलीज किया गया था। फिल्म के दोनों पार्ट्स का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए बताया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।